नमस्कार भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। आज का टॉपिक है बरसात में कबूतरों की संभाल कैसे करें। बरसात में कबूतरों को अच्छी तरह से देखभाल करें और अपने छत, खुड्डे और जालों की अच्छी सफाई रखें। जहाँ पर कबूतरों को आप दाना पानी करते हैं उनकी भी अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखें, क्योंकि जहाँ पर आप दाना पानी करेंगे अगर वहाँ पर बीट होगी, कबूतर बीट दाने के साथ बीट भी खा लेते हैं, उसके साथ कबूतर बीमार होते हैं। और जहाँ पर आप पानी जिस बर्तन में देते हैं अगर उस बर्तन में भी बीट चली गई तो कबूतर तब भी वो पानी पियेंगे और बीमार हो जाएंगे। तो भाइयों, आपको यही ध्यान रखना है कि कबूतर को साफ़ सफाई वाली जगह पे रखना है। और क्योंकि जब बरसात का मौसम है जे, इसमें क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत होती है। अगर दड़बों में बीट वगैरह ज़्यादा जमा होगी तो खुड्डों में गैस बनेगी और कबूतर बीमार हो जाएंगे। आपको बरसात में इसका भी ख्याल रखना है कि बरसात का पानी खुड्डों में ना आए। अगर खुड्डों में बरसात का पानी आया तो तब भी बीमारी का आने का बहुत ही ज़्यादा खतरा है। भाई, बरसात में कबूतर आपको पता है कि क्रीज में आ जाते हैं। जब कबूतर क्रीज में आता है तो तब वह अपने पुराने पंख सारे निकाल देता है और नए पंख लाता है। इसमें कबूतर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें खून की कमी हो जाती है और वह धीरे धीरे सोखे में चले जाते हैं। तो इसके लिए भाई आपको कबूतर को LEAF 52 और मल्टी विटामिन भी ज़रूर देने हैं, जिससे उनके अंदर खून की कमी पूरी हो जाए और वे अपने नए पंख बहुत ही खूबसूरत निकालें और बड़े मज़ेदार से निकाले, उनको कोई भी तकलीफ़ ना हो। भाइयों, एक आता है एंटीबायोटिक पाउडर, उसका नाम है लिक्सन पाउडर। ये लिक्सन पाउडर हम काफ़ी देर से अपने कबूतरों को इस्तेमाल करते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बरसात में या जब भी मौसम कोई चेंज हो तो लिक्सन पाउडर को ज़रूर दें, क्योंकि ये पाउडर एक ऐसा है कि अगर कोई भी बीमारी या वायरस आपके कबूतरों में आने वाला हो तो ये आने नहीं देता। तो इस लिक्सन पाउडर को देने का तरीका और उसकी क्वांटिटी, कितने पानी के लीटर में देना है, ये सब कुछ इस पाउडर के पोच के ऊपर लिखा होता है। तो आज के लिए इतना ही भैयो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू ब्रदर।